जैसे ही J1 J2 तो आपकी इस कंडीशन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, जंक्शन J2 जो होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा। तो हम गेट के थ्रू क्या करते हैं, पॉजिटिव पल्स अप्लाई कर देते हैं और जैसे ही इसको क्या चलती है, पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है, ये भी क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो ये ट्रिकेट पैटर्न बहुत ही सिंपल हो जाए, ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट के थ्रू हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव पल्स की वोल्टेज दे रहे हैं जिससे जंक्शन J2 क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस में हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट है देखिए dV/dt ट्रिकिंग, हमें फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा और अब थर्ड पढ़ रहे हैं dV/dt ट्रिकिंग। अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि dV/dt ट्रिकिंग क्या होता है। अगर आपने मतलब मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ रखा हो तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। अब देखिए डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए अगर हम यहाँ पे जो है SCR है अगर हम उसको बनाएं, ठीक हमने बनाया और यहाँ से हमने क्या किया, एक पॉजिटिव पल्स की वोल्टेज अप्लाई कर दी एनोड और कैथोड के बीच में। ये J1 है, J1 आपका किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, इस कंडीशन में J3 भी किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और जंक्शन J2 किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। देखिए जब जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है तो जब इसका मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही होती है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी। मैंने जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका गेट लगा हुआ है, अगर हमने कोई गेट के थ्रू वोल्टेज नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है। रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ने का क्या मतलब है, देखिए अगर एक ये प्लेट है आपकी N वाली और एक क्या है P वाली, इसका मतलब यहाँ पर एक टाइम के बाद एक कैपेसिटर बन जाएगा, है ना। आपको पता है कि कैपेसिटर पे ये दो प्लेट होती है जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, है ना, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर पता हो तो दो प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कोई मीडियम बन जाता है तो वो कैपेसिटर बन जाता है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे होता है एक कैपेसिटर होने लगता है, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स बायस है, इसका मतलब इस जंक्शन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल क्या हो रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये किसके है, रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में जो जंक्शन होती है इसकी विड्थ बढ़ जाती है। जंक्शन की विड्थ बढ़ने के कारण होल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है और जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा ये चार्ज करिए क्या हो जाएंगे, यहीं पे इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपको पता है ये बन जाएगी क्या है, निगेटिव प्लेट और ये बन जाएगी क्या, एक पॉजिटिव प्लेट। देखिए तो बात कर रहे हैं dV/dt ट्रिकिंग की। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्स बायस प्लेट हो गया है, तो रिवर्स बायस के लिए जो n है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे होल्स क्या हो रहे हैं, केवल कलेक्ट हो रहे हैं, इनके बीच रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। अब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एक निगेटिव प्लेट बन गई और एक पॉजिटिव प्लेट बन गई, तो ये क्या हो जाएगी, कैपेसिटर की तरह कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम कैपेसिटर के लिए देखें,
ये है ना। तो देखिए जो स्टार्टिंग जब इनिशियली स्टार्ट होता है तब तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग टाइम मतलब t बराबर जीरो समय पर ले तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो i बराबर क्या हो जाएगा, डी वी ए अपॉन डी। अब देखिए जो यही वोल्टेज है, जो ये आपका वोल्टेज आया है, अगर हम यहाँ बी बराबर देखें तो देखिए जो ये वोल्टेज आया है तो जैसे ही आपका जो VA वाला वोल्टेज है ये ज्यादा हो जाएगा किससे, dVA अपॉन dt से। जैसे ही VA ग्रेटर देन dVdt हो जाएगा वैसे ही आपका जो जंक्शन J2 है ये किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जैसे ही जंक्शन J2 आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा आपके जो SCR वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा। या एक कंडीशन यहां पे और देखते हैं, अगर जैसे अगर आपकी रिवर्स बायस बढ़ती चली जाएगी है ना, रिवर्स बायस यहां जंक्शन पे बढ़ती जाएगी और जैसे ही जो रिवर्स बायस वोल्टेज का मान VA से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और आपको पता है कि ब्रेकडाउन की कंडीशन में जो वोल्टेज होती है या करंट जो होती है बहुत तेजी से फ्लो होती है ना। तो यहाँ पे अपने आप चार्ज कैरियर में रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा क्योंकि जो करंट है वो जब बहुत तेजी से फ्लो रही है इसका मतलब है कि इनके बीच रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। और जब रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा तो ये कैपेसिटेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, ये जंक्शन J2 भी आपका किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो यही होता है dV/dt ट्रिपिंग में। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस हो रहा है यहाँ पर एक कैपेसिटेंस बन रहा है ना, कैपेसिटेंस बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे Q मतलब चार्ज करके कलेक्ट हो रहे हैं। तो यही से आपको आएगा Q और Q बराबर क्या होता है, CV। बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि dV/dt अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमने जो डिग्री की बात की थी, नेक्स्ट है आपका थर्मल डिग्री। क्या थर्मल डिग्री, अब देखिए थर्मल डिग्री में क्या होता है, सेम थर्मल का मतलब सीधा होता है टेम्परेचर से है ना। अगर कहीं पे भी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ रही है, मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे एस सी आर बनाते हैं, यहाँ पे पी एन और है और इसको हमने क्या दिया, हर बार देखिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ही ले रहे हैं क्योंकि हमें SCR को ऑफ से क्या करना है ट्रिगरिंग में ऑन करना है ना। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है गेट टर्मिनल लगा हुआ है। अब आपको पता है कि इस कंडीशन में जो J1 होगा ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जो J3 होगा ये भी किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, जबकि जंक्शन J2 किस में होता है, रिवर्स बायस में है। अब देखिए थर्मल ट्रिगरिंग का क्या मतलब है, जब जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है और आपको पता है कि रिवर्स बायस में यहाँ पे चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं और चार्ज कैरियर कलेक्ट हो रहे हैं इनके बीच रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। मतलब जब चार्ज कैरियर यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई सरफेस है ना, या मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने डिवाइस ले रखी है, अगर इस डिवाइस से कोई हमने वायर को कनेक्ट कर दिया है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो डिवाइस भी तो क्या होती है, हीट होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट इसमें क्या होती है, लॉस होती रहती है। तो वैसे यहाँ पे भी अगर चार्ज कैरियर यहाँ पे इकट्ठा होते चले जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मूव नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और एक टाइम पे टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जो चार्ज कैरियर है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि ब्रेक डाउन की कंडीशन में करंट क्या होती है, बहुत तेजी से फ्लो होने लगती है। तो यहाँ जो जंक्शन था रिवर्स बायस क्रिएट था, यहाँ ब्रेक डाउन की कंडीशन आ जाएगी और जो आपका एस सी आर है वो ऑन हो जाएगा। बस थर्मल ट्रिगरिंग में आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस है यहाँ पे चार्ज करियर क्या हो रहे हैं, कलेक्ट होकर जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा रहे हैं और जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे रिवर्स बायस बढ़ रहा है और एक टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होते ही जो चार्ज कैरियर है इनके बीच रिकॉम्बिनेशन बहुत तेजी से होने लगेगा और जो एस सी आर है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ट्रिगरिंग में हमें करना ही क्या है, जो ऑफ की कंडीशन से एस सी आर को किस में लाना है, ऑन कंडीशन में लाना है। ठीक, तो यही करते हैं आपका थर्मल ट्रिगरिंग में। थर्मल से बस याद रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है, आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे थर्मल ट्रिगरिंग है, थर्मल ट्रिगरिंग
यहाँ पे